नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ओएस। देश में फिर एक बार कोरोना के मामले बेहद तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कई राज्यों में फिर एक बार कोरोना विस्फोट देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी शुरू हो गई। रविवार को प्रदेश में 259 नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बीते दिन कोरोना के सबसे अधिक 91 नए मरीज नैनीताल जिले में मिले हैं। इसके अलावा देहरादून में 77, उधम सिंह नगर में 34, पौड़ी में 28, हरिद्वार में 15, पिथौरागढ़ में 8, टिहरी में 5 और अल्मोड़ा जिले में 1 नया मरीज मिला है। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 506 हो गई है। तमाम राज्यों में नाइट कर्फ्यू समेत ढेरों सख्त पाबंदियों के बावजूद पिछले एक हफ्ते में कोरोना संक्रमण के मामलों में 3 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। देश में बीते 24 घंटों में ही 33,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बात की प्रबल आशंका है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। महाराष्ट्र, बिहार और दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में एक हफ्ते के अंदर 41,980 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा बंगाल में भी मामलों की दूसरी सबसे बड़ी साप्ताहिक वृद्धि 18,524 दर्ज की गई है। इसके साथ ही ओमिक्रॉन के भी 50 मामले सामने आए हैं। यहां कोरोना के मामलों की वृद्धि पिछले हफ्ते के मुकाबले 3,550 के अनुसार 5 गुना से अधिक थी। झारखंड की संख्या में 326 से लगभग 9 गुना बढ़कर 2,879 हो गई। पूरे देश की बात करें तो रविवार रात तक कई राज्यों में मिले आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 33,703 मामले सामने आए हैं। यह आंकड़े शनिवार को मिले 27,747 मामलों की तुलना में 21% ज्यादा है। विशेषज्ञ संक्रमण के इस तेजी की वजह कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो कोरोना अपडेट में अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेजेएन न्यूज़ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।